हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोड ओवरब्रिज पर दुधिया रोशनी को लेकर युद्ध स्तर पर चल रहा है। कार्य पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास के नेतृत्व में जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंप ओवरब्रिज पर 8 माह से रोशनी नहीं होने की वजह से आए दिन होते थे हादसे। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 माह से बंद पड़ी ओवरब्रिज की रोशनी को लेकर तुरंत ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात कर डिमांड राशि भरवा कर ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस लाइन पर गुरुवार को शाम को ही रोशनी चालू कर दी गई थी। अब ओवरब्रिज की रोशनी को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। आज शाम को ओवरब्रिज भी दुधिया रोशनी से जगमगाएगा। इसको लेकर सोजत रोड के ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर नमित मेहता का आभार व्यक्त किया। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।